गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर चौथा, जिसका नाम है सुकरात, जिसे लिखे हैं रोदा पावर। सुकरात यूनान के एक महान दार्शनिक थे, उनके जीवन के बारे में इस लेसन में दिया हुआ है। तो चलिए आप लोगों को मैं डिटेल से और बहुत बारीकी से इनके बारे में एक एक शब्दों का एक्सप्लेनेशन करते हुए बताता हूं। यहां से दिया हुआ है सुकरात, एक चीज समझिए, कहीं कहीं इसको सुकरातिज भी पढ़ा जाता है, तो हम लोग पढ़ेंगे सुकरात। सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 इयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न। यानी कि सुकरात जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के 400 वर्षों पहले, अबाउट मतलब होता है लगभग, यानी कि लगभग 400 वर्षों पहले एथेंस में रहते थे। एज अ बॉय, जब वह एक छोटे बालक थे, ही वाज अगली, वह कुरूप थे, यानी कि उनका जो शक्ल था, उनकी बनावट थी, बहुत अच्छी नहीं थी। अंडर साइज, छोटे कद के थे, एंड हैड ए फ्लैट नोज, और एक सपाट नाक थी उनकी, एंड बल्जिंग आईज, और उनकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर साज थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड, अतः वो सदैव फटे पुराने कपड़े पहनते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के अन्य लड़कों के समान, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहां सबसे महत्वपूर्ण जो लेसन थे वह थे म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, यानी कि संगीत और व्यायाम। ही आल्सो लर्न्ड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उन्होंने कुछ विज्ञान सीखा और गणित सीखा। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और नक्षत्रों के बारे में कुछ सीखा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में उतना नहीं सीखा। एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, जैसा कि आजकल के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, कहा कि यह विचित्र, स्ट्रेंज मतलब विचित्र छोटा प्राणी, जिसकी गर्दन छोटी थी और जिसका चेहरा प्लेन मतलब सपाट था, एक विचारशील बालक था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह अपने साथियों को हमेशा देखा करता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, यानी कि बहुत कम वस्तुओं को, वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत कम वस्तुओं को स्केप मतलब बचने देता था, हिज नोटिस मतलब अपने ध्यान से। सुकरात डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फर्नीचर, सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था या सुंदर फर्नीचर नहीं थे, फर्नीचर जिसको हम कुर्सी मेज बोल सकते हैं। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल और ब्यूटीफुल पोजेशंस, उन्हें सुंदर वस्तुओं की इच्छा भी नहीं थी। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़े होते गए, ही बिगेन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कम्फर्ट एंड प्लेजर, वह अपने शारीरिक, बॉडली मतलब शारीरिक आराम और आनंद के बारे में बहुत कम सोचना, यानी कि सोचना बंद कर दिए। ही गेव हिज माइंड टू ऑल, उन्होंने अपना सारा ध्यान लगा दिया। व्हाट वाज नोबल, यानी कि उन बातों में जो नोबल मतलब श्रेष्ठ थी, ऑनरेबल मतलब सम्मानजनक थी, एंड जस्ट मतलब उचित थी। सुकरात वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक्ड टू पीपल, सुकरात पैदल अपने नगर में जाते थे और लोगों से बातचीत करते थे। द एथेनियंस बिगैन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर,
जो एथेंस वासी थे वह उनके फेमिलियर मतलब परिचित चेहरे को देखते थे इन द स्ट्रीट्स और गलियों में एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स और अपने मित्रों से कहते थे यस दैट इज सुकरात हाँ यही सुकरात है कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम चलो उससे बात करें। आफ्टर सम टाइम सुकरात बिकेम फेमस एज ए टीचर कुछ समय के पश्चात सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। आगे दिया है ही वेंडर्ड अलोंग द रोड एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेसेज यानी कि वह सड़कों पर घूमते थे और बाजार वाले स्थान पर रुक जाते थे टॉकिंग टू एनी वन हु केयर्ड किसी से भी बात करते थे जो उनकी बातों को ध्यान से सुनता था टू ग्रीट ही मैंने उनको जिसे उनकी बातें अच्छी लगती थी हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज्ड उनके जो श्रोता थे प्रायः असमंजस में पड़ जाते थे आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम जब वह उनसे बहस कर चुके होते थे आर आंसर हिज क्वेश्चंस या फिर उनके प्रश्नों का उत्तर दे चुके होते थे सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार करने के लिए सीखना चाहिए फॉर हिमसेल्फ मतलब स्वयं के लिए सो दैट ताकि बाई यूजिंग हिज रीजन अपने तर्क का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर टू सी सी मतलब समझना समझने की शक्ति उसके अंदर आ जाए व्हाट वाज राइट जस्ट ट्रू एंड ब्यूटीफुल मतलब क्या सही है उचित है सत्य है और सुंदर है एंड सो सेफ हिज ओन कंडक्ट ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट यानी कि वह चाहते थे कि एथेंस एक आदर्श राज्य बन जाए ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पुपिल्स एंड हिज अदर फॉलोअर्स उन्होंने अपने शिष्यों तथा अपने अनुयायियों को अन्य अनुयायियों को बताया दैट कि दिस कूड ओनली हैपन यह तभी हो सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड यानी कि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे टू सी मतलब यह समझने में व्हाट वाज राइट एंड नोबल मतलब क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम डू दिस एंड सो ही वाज फॉरएवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट्स उन्हें विश्वास था कि प्रश्न करने से एंड डिस्कशन मतलब बहस करने से इस कार्य में सहायता मिलेगी और एंड सो और इसलिए वह हमेशा खुली गलियों में लोगों से सदैव बातचीत करते रहते थे व्हेन सुकरात वाज एन ओल्ड मैन जब सुकरात वृद्ध हो गए हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि उनकी प्रसिद्धि फार एंड वाइड दूर दूर तक स्प्रेड मतलब फैल गई थी हाउस ऑफ द मेनी ए रिच मैन ओपन इट्स डोर्स टू हिम यानी कि बहुत से धनी व्यक्तियों ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए थे फार पीपल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट क्योंकि उन्हें लोग अपना मेहमान बना करके सम्मान समझते थे बाय डिग्रीज मतलब धीरे धीरे ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल्स गैदर्ड अराउंड हिम शिष्यों का एक विशेष समूह उनके चारों तरफ इकट्ठा हो गया एंड फॉलोड हिम वेयर इवर ही वेंट
और उनका अनुसरण करता था जहां कहीं भी वे जाते थे। Among them was a young man called Plato, और उनमें एक शिष्य था जिसका नाम था प्लेटो, who treasured every word which his master uttered, यानी कि जिसने अपने गुरु के प्रत्येक शब्द को प्रेम पूर्वक ट्रेजर मतलब संजो करके रखा था या संचित कर लिया। एंड इन लेटर ईयर्स बिकेम एज फेमस ए टीचर, और बाद में वह भी एक टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो गया एज सुकरात हिमसेल्फ, जैसा कि सुकरात स्वयं थे।